आज हमने आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, नगर निगम सभी के साथ पूरे सारे पॉइंट्स कराउंड किया है। अतिवृष्टि के कारण से जहाँ जहाँ भी पानी का बहाव हुआ है, भाई सागर और अन्ना सागर का ओवर फ्लो जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ चैनल से पानी जा रहा है, कुछ लो लाइंग एरियाज हैं, सभी को हमने देखा है। और पूरा प्रशासन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम संतुलन बना करके जहाँ से भी पानी को निकाला जा सकता है उस पानी को सुरक्षित तरीके से निकालें। सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से मैन पावर डेपूट की हुई है। एसपी साहब और जिला प्रशासन से भी हमने ये आग्रह किया है कि वो अपने वॉलंटियर्स, अपने जवान वहाँ पर लगा करके रखें, लोगों को सावधान करें। साथ ही क्योंकि दो दिन अभी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, तो मैं सभी आमजन से भी अपील करना चाहूँगा कि चूँकि स्कूल की छुट्टियाँ भी निकली थी, तो आवश्यक हो तो ही इस अतिवृष्टि के बावजूद घर से निकले। प्रशासन और पुलिस के सारे इसमें मतलब सहयोग दें। अननेसेसरी की लकड़ी बाढ़ होने से या कई बार कौतूहलवश देखने जाने से भी दुर्घटना की आशंका रहती है, इसलिए जबकि दो तीन दिनों की चेतावनी उस दौरान, प्लस हमारी पूरी बसिंग भी इस प्रयास में है कि जहाँ भी तीन कॉलोनी में पानी भरा है वहाँ लोगों को जाकर राहत प्रदान करें, पंपिंग आउट करें, और जो आगे पानी कम होने के बाद और जो रिपेयर और जो आवश्यक संसाधन लगाने हैं उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। बाकी हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा दृष्टि से एक सभी के साथ अपील रहेगी, पूरा प्रशासन हमारा मुस्तैद है, स्थानीय निकाय, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेडिकल एंड हेल्थ और सभी सरकारी विभाग अपना काम गति से कर रहे हैं। क्या है, काफ़ी जगह पानी का भराव है, क्या आगे दिशा निर्देश रहेंगे या इंतज़ार करेंगे पानी का कम होने का? आज हमने आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, नगर निगम सभी के साथ पूरे सारे पॉइंट्स कराउंड किया है। अतिवृष्टि के कारण से जहाँ जहाँ भी पानी का बहाव हुआ है, भाई सागर और अन्ना सागर का ओवर फ्लो जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ चैनल से पानी जा रहा है, कुछ लो लाइंग एरियाज हैं, सभी को हमने देखा है। और पूरा प्रशासन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम संतुलन बना करके जहाँ से भी पानी को निकाला जा सकता है उस पानी को सुरक्षित तरीके से निकालें। सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से मैन पावर डेपूट की हुई है। एसपी साहब और जिला प्रशासन से भी हमने ये आग्रह किया है कि वो अपने वॉलंटियर्स, अपने जवान वहाँ पर लगा करके रखें, लोगों को सावधान करें। साथ ही क्योंकि दो दिन अभी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, तो मैं सभी आमजन से भी अपील करना चाहूँगा कि चूँकि स्कूल की छुट्टियाँ भी डिक्लेयर थी, तो आवश्यक हो तो ही इस अतिवृष्टि के बावजूद घर से निकले। प्रशासन और पुलिस के सारे उसमें मतलब सहयोग दें। अननेसेसरी की भीड़ भाड़ होने से या कई बार कौतूहलवश देखने जाने से भी दुर्घटना की आशंका रहती है, इसलिए जबकि दो तीन दिनों की चेतावनी उस दौरान, प्लस हमारी पूरी बसिंग भी इस प्रयास में है कि जहाँ भी तीन कॉलोनी में पानी भरा है वहाँ लोगों को जाकर राहत प्रदान करें, पंपिंग आउट करें, और जो आगे पानी कम होने के बाद और जो रिपेयर और जो आवश्यक संसाधन लगाने हैं उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। बाकी हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा की दृष्टि से एक सभी के साथ अपील रहेगी, पूरा प्रशासन हमारा मुस्तैद है, स्थानीय निकाय, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेडिकल एंड हेल्थ और सभी सरकारी विभाग अपना काम गति से कर रहे हैं।